है मक्की बिना, और देखिए हम इसका जो है ना इसका आटा बनाएंगे और इसमें मिक्स करके जैसे मंडुआ हो गया, गेहूँ हो गया, और इसको मिक्स करके इतनी टेस्टी और मीठी रोटी बनती है ना, तभी मैं बना के दिखाऊंगी और इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी। दोस्तों मुझे ज्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन भाई साहब से पता करते हैं कि इससे क्या मिलता है हमें और इसको कौन ग्रो कैसे बनाते कौन ग्रार कैसे बनाते बोलो। इसको हाँ। इसको क्या करना है कि आज शाम को भिगा देता है, आज पूरा और कल सुबह तक पूरे 10 या 12 घंटे, फिर उसके बाद इसको मिक्सी में पीसो, अगर शॉर्ट काम है तो इधर इधर मिक्सी में पीसना है और एक कपड़े में डालना है इसको, पानी के साथ घोलना है इधर इधर, इसका केवल पानी निकलेगा पानी, उसको परात में फैला दो। उसके बाद क्या होगा, इसका नीचे बैठ जाएगा वो लोग क्या बोलते हैं आटा टाइप का, और ऊपर आ जाएगा पानी, और उस पानी को आप गिरा दो और उसके बाद उसको सुखाओ। देखिए दोस्तों हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ मक्की भी मिल रहे हैं, और देखिए दादी लोग कितने मेहनती है, मिट्टू की बुआ दादी देखो कितनी मेहनती है, सुबह ही घास के लिए चले जाती है, यहाँ दिखा रहे यहाँ ये दादी तो सुबह ही घास के लिए चले जाती है, ये दादी सिर्फ हीरोइन नहीं डाई करवा के आई है, और ये दीदी तो बहुत मेहनती है, ज़रा हेल्प करने आ रखी है दीदी और अंकी, और यहाँ ताई जी भी बहुत मेहनती है, ये ज्यादा घास वाले घास घास के लिए करते हैं ज्यादा, और आज हम जरा इंजॉय कर रहे हैं गाय बच्चा बने हैं, हम तो खाने वाले हैं। अब रात की 8:30 हो गए हैं और अब मैं इसकी बुआ के घर से वापस आ गई हूँ, चलो देखते हैं यहाँ अंदर क्या चल रहा है। अरे वाह, तो ये बात है, मैं भी सही टाइम पर पहुंची। तो दोस्तों आज हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया है, क्योंकि आज कुछ स्पेशल है, किसी को वैसे पता नहीं है, ये बाद में मैं आपसे शेयर करूंगी। देखिए यहाँ पर बहू सास के लिए खाना परोस रही है, बहू चाहे खाना कम दे पर सास को एडजस्ट करना पड़ेगा।
मैं भी खाना एंजॉय करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।